आप शांत रहो, अब पढ़ो, अब पढ़ लो, अब पढ़ने दो, ठीक है, अब वीडियो ऑन रखो। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, एक बाबू एक सेप बनाया था, डराने वाला सेप बनाया था, कौन सा सेप सर, कौन सा सेप, कैसे नहीं बाबू, खाली डराने के लिए बोले थे ना, कौन सा सेप बाबू, ठीक है, कुछ इस तरह से बाबू आपको एक सेप बनाया था लास्ट क्लास, है ना सर, लास्ट क्लास है ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह से सेप बनाए थे कि नहीं बाबू, है ना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ बाबू, चलो अच्छी बात है, मन से पढ़ेंगे, मंथन से पढ़ेंगे, ठीक, इस तरह से शेप बनाए थे, ठीक ठीक बाबू, इस शेप का नाम कैसे बाबू, जैसे बाबू है ना, जैसे मेरी वो छोटी छोटी प्यारी सी बाबू है ना, तो किसी का नाम अलीसा, किसी का नाम स्वाति, किसी का नाम धर्मवीर, किसी का नाम लक्ष्मी, तो उसी तरह इस शेप का नाम है बाबू, इसको हम लोग पुकारते हैं, है ना, आप लोग को नाम से पुकारते हैं ना, इसको हम लोग पुकारते हैं बाबू राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से, इसको हम लोग कैसे पुकार रहे हैं बाबू, राइट एंगल ट्राइंगल से, है ना, ठीक हो, ये जो राइट है बाबू, राइट का मतलब क्या होता है, वो 90 डिग्री, 90 होता है, राइट का मतलब क्या होता है, मैथ के लैंग्वेज में 90 होता है, और एंगल का मतलब बाबू यहाँ पे डिग्री, तो ये 90 डिग्री, मतलब इसमें एक एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, है ना, इसको मैं एक एंगल क्या होगा, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री, सो ते ऑन करिए बाबू, हो गया 5 मिनट आपका, ठीक है, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक, तो इसका बाबू कुछ प्रॉपर्टी, कैसे आप लोग का प्रॉपर्टी बाबू, पहला पहला प्रॉपर्टी क्या सर, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, दूसरा क्या सर, है ना बाबू, शैतानी करना, भरपेट, वीडियो बंद रखना, ये आप लोग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसी से बाबू उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार बाबू इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर, है ना, तो पहले बाबू जैसे आप लोग, आप लोग इसको क्या करते हो, हैंड कहते हो ना, हैंड कहते हो बाबू, है ना, ये मेरा क्या हेड है, उसी तरह से ये जो आपको दिख रहा है बाबू, इसको हाइपोटेनस कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, एच से इसको इंडिकेट करते हैं, ये बाबू क्या बेस है, 90 डिग्री के आगे हम आपको बताएंगे बाबू, बेस हाइट हम लोग किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं ना, हाइट कहें बाबू या परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना, बताएंगे आगे, है ना, परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये बाबू हमेशा ऐसा नहीं बाबू कि बेस नीचे ही होता है, इसको भी बेस कह सकते हैं, ठीक है, है ना, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत है ना, ठीक है, तो ये बाबू क्या हो गया, परपेंडिकुलर को पी से सर, बेस को बी से बाबू, है ना बाबू, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आप लोग का कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो जो एच स्क्वायर होता है, जो एच स्क्वायर होता है वो कितना होता है, पी स्क्वायर होता है, प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है ना, मतलब क्या सर, मतलब ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाबू, इस साइड का स्क्वायर करो और इस साइड का स्क्वायर करो और इस साइड का स्क्वायर करो, दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, वो मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो इसको कौन दिया था, अपने से आ जाएगा, अपने से आ जाएगा, है ना बाबू, इसका कोई मैथमेटिशियन दिया था, तो इसको बाबू डिराइव किया था बाबू, इसको दिया था, प्रूफ किया था बाबू, मैं ये पाइथागोरस प्रूफ किया था, है ना बाबू, इसको किसने प्रूफ किया था, पाइथागोरस, है ना, इसको किसने प्रूफ किया था, पाइथागोरस प्रूफ किया था ना, तो उसी के बाबू, उसी के फेवर में हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम रखते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है बाबू, तो ये डिस्कस हमने लास्ट क्लास में कर दिए थे ना, आज बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सर बाबू आपको हमने क्या पढ़ा रहे हैं, अभी मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बाबू आपको एरिया निकालना, पेरिमीटर निकालने बता दिया ना, पेरिमीटर निकालने कन्वर्जन ऑफ यूनिट बता दिए, पाइथागोरस थ्योरम बता, अब इसका थोड़ा थोड़ा हमको यूज पड़ेगा, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बताए ना, बताएं, इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं, आगे हम लोग बाबू अब क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एरिया के बारे में पढ़ेंगे, किसका सर, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एरिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना बाबू, एरिया के बारे में पढ़े, अभी हम लोग क्या पढ़े, 2D शेप पढ़ रहे हैं, 2D शेप पढ़े, इसके बाद रेक्टेंगल के बाद क्या, थोड़ा सा सर्किल के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, जिसमें सेक्टर क्या होता है सर, माइनर कोड क्या होता है, मेजर कोड क्या होता है, सारा पढ़ लेंगे ना, वो सारा पढ़ लेंगे ना, सर्किल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, 3D शेप में इंटर करेंगे, 3D शेप में इंटर करेंगे ना, 3D शेप में इंटर करेंगे ना, बाकी ज्योमेट्री वगैरह का थोड़ा थोड़ा एरिया, इसका ट्रेपेजियम का एरिया, रोम्बस का एरिया, ये भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, ठीक है, उसके बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री में इंटर करेंगे, 3D शेप में इंटर करेंगे, है ना, है ना, आप फ्राइडे सैटरडे के बाबू, अगले फ्राइडे सैटरडे से हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन फिजिक्स भी पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं है, ये फ्राइडे सैटरडे बोले थे सर। अच्छा अच्छा, इसी से बाबू, ठीक है, तो इसे हम लोग शुरू कर देंगे, आज कौन सा डे बाबू, ठीक है, तो हम लोग फ्राइडे से उसको अलग, हाँ ठीक है, हम लोग क्या करें, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, अरे फिजिक्स नहीं है जी, फिजिक्स नहीं, क्यों बात ऐसे बोलते, फिजिक्स है, डर जाओगे, वैसे नहीं, सिंपल सा एक जोर घटा हुआ है ना बाबू, मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे तो कितना दूर जाओगे, आधा घंटा में कितना दूर जाओगे, वो सब पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं, मोशन टाइम है सर, हाँ बाबू, वो सब फिजिक्स वाला शब्द नहीं बोलो, बच्चे सब,
बच्चे सब रोने लगते हैं ना। मैथ का, हाँ मैथ का वर्ड प्रॉब्लम, मैथ का एलकेजी वाला है ना। फिजिक्स उजिक्स अभी नहीं आएगा है ना, वो सब डराने वाला है। खत्म होगा तब बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब हम लोग बाबू थोड़ा सा रेक्टेंगल का कंसेप्ट लिखते हैं ना, रेक्टेंगल के बारे में है ना, रेक्टेंगल के बारे में है ना। रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका एरिया निकालेंगे सर। अब पेरीमीटर तो रेक्टेंगल का ऑलरेडी हम बताइए चुके बाबू, किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना कितना आसान है। बाउंड्री को क्या कर दो, ऐड कर दो है ना। मेरा पेरीमीटर निकालना तो इसको इसको सारा मेजर करो, ऐसे ऐसे सारा मेजर करो है ना, पूरा पैर से लेकर है ना, तो मेरा पेरीमीटर निकल जाए। तो किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना तो हम लोग क्या करें, बाउंड्री को ऐड कर दें है ना। तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। देखो रेक्टेंगल क्या होता है बाबू, शांति से समझना है ना बाबू। वैसा बाबू क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल बताया था बाबू। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, लास्ट क्लास बताया था आपको क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मन से पढ़ना है, सुनना है खाली, कहानी सुनना है ना, कहानी सुनना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बाबू, किसका किसका वीडियो बनता है, 1 मिनट बाबू। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल सर है ना बाबू। देखो कोई भी बाबू फोर साइडेड शेप है सर, कुछ ले लो फोर साइडेड शेप होना चाहिए। ऐसे सर ये फोर साइडेड शेप है। कैसे सर, एक साइड ये है सर, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है, चौथा साइड ये है। तो कोई भी फोर साइडेड शेप होगा वो है ना, फोर साइडेड का बाउंड्री होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल का है ना। कुछ ले लो, कुछ एढ़ा मेढ़ा टेढ़ा पढ़ा कुछ ले लो है ना, वो कुछ ले लो इस तरह से। तो ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा है ना बाबू, है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, आप इसी के अंदर बाबू डिफरेंट टाइप्स आएंगे ना। जैसे रेक्टेंगल क्या है सर, क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। स्क्वायर क्या है सर, क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है बाबू, है ना बाबू। रोम्बस क्या होगा सर, क्वाड्रिलेटरल ही होगा। ट्रेपेजियम क्या होगा सर, क्वाड्रिलेटरल ही होगा ना। तो इसी लाइन को आप शांति से समझना, इसी लाइन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज करेंगे है ना। मान लो एक लाइन है सर, बेसिक कांसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा रहे थे। ठीक है नेक्स्ट बाबू। अब इसी चार को साइड को आपको अरेंज करना है, शांति समझना। इसी चार एक साइड सर, ये दूसरा लाइन सर, ये तीसरा लाइन सर, ये चौथा लाइन। अब इसी चार लाइन को अब कैसे कैसे आप अरेंज कर दो है ना। जैसे जैसे अरेंज करोगे उसी के अनुसार क्या होगा, वो इसका नाम होगा। जैसे मान लो चार साइड है तो एक लाइन ऐसे लिए सर है ना, एक लाइन ऐसे लिए सर और एक लाइन क्या कर दिया, ऐसे ले लिए सर है ना। ठीक है, तो ये वो शेप बन गया ना, ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस, शांति से सुना, स्पेशल केस मतलब क्या सर, ये अपोजिट साइड क्या वो पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या पैरेलल है और इक्वल है। मतलब जितना लेंथ ये होगा, शांति से जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ क्या ये, जितना लेंथ ये है बाबू उतना ही लेंथ क्या ये है, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो इसका नाम जानते हो बाबू क्या रख दिया गया, इसको एक स्पेशल नाम रख दिया। इसको बोल दिया कि ऐसे बना दोगे ना तो इसको रेक्टेंगल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, रेक्टेंगल बोल दिया जाता है ना, रेक्टेंगल बोल दिया जाता है कि नहीं बाबू, रेक्टेंगल बोल दिया जाता है ना। ठीक, अगर सर मेरा मन के चार गो लाइन से आप कैसे कैसे शेप बना रहे हो, जैसे जैसे शेप बनाओगे वैसे वैसे उसका नामकरण होगा। जैसे चार लाइन बाबू, एक लाइन ऐसे सर, एक लाइन ऐसे सर, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है ना, ऐसे चार को शेप बना दो तो इसको एक स्पेशल नाम हो गया। इससे देखने में अलग है कि नहीं बाबू, कैसे हम लोग का बाबू शकल सूरत अलग अलग देखने में रहता था, किसी का रिंकी चिंकी पिंकी रहता है ना, तो वही बाबू शकल सूरत अलग रहेगा तो नाम उसका अलग हो जाएगा है ना बाबू, अलग हो जाएगा। और सारे एज हम लोग क्या एज सारे क्या ह्यूमन है हम लोग एज ह्यूमन है, अभी हम सारे क्या हो गया, अलग हो गया, कोई रिंके चिक्के पिक्के हो गया है ना, वही बात है। अगर ऐसा बन गया बाबू, ऐसा बन गया तो इसी को एक स्पेशल नाम दे दिया, इसको क्या कह दिया जाता है, स्क्वायर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, स्क्वायर कह दिया जाता है ना बाबू। मतलब क्या सर, फोर लाइन से जो शेप बनेगा उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब इसको आप कैसे अरेंज कर रहे हो, कैसे कैसे बना रहे हो, तो उसी में आपको क्वाड्रिलेटरल से ही बाबू रेक्टेंगल निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा, ट्रेपेजियम निकलेगा, रोम्बस निकलेगा है ना, पैरेललोग्राम निकलेगा, सब यही से क्वाड्रिलेटरल से ही जनरेट होता है। इतना समझ में आया बाबू, चलो सत्यम वीडियो ऑन करो बाबू, नेक्स्ट है ना। तो पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल क्या होता है सर, वैसा बाबू वैसा शेप वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल कहने का मतलब क्या सर, दोनों के दो लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एलकेजी। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे सर, ये लाइन पैरेलल है, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस नापोगे बाबू, किसी भी जगह से बीच का डिस्टेंस नापोगे, किसी भी जगह से बीच का डिस्टेंस नापोगे तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे है ना। तो अगर रेक्टेंगल को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करें बाबू, इट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट साइड्स क्या, पैरेलल और इक्वल। इसका अपोजिट ये है ना, ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। इसका अपोजिट ये है तो ये क्या होना चाहिए, पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। और वो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री है ना। तो इतने सारे क्राइटेरिया को जो फॉलो करे वो उसका नाम क्या रख दिया गया,
रेक्टेंगल, उसको क्या रख दिया गया, रेक्टेंगल है ना, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ड्रा देते हैं ना, ड्रा देते हैं, कुछ नहीं है ना, ठीक है वो, ठीक है, तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, आप जो भी सिखाएंगे डरेंगे नहीं, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, रेक्टेंगल को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे है ना, डिफाइन करूंगा है ना, रेक्टेंगल क्या होता है सर, क्या होता है, कुछ नहीं होता, लिखे 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 वो लिखे लिखे डिफाइन कीजिए, लेट से क्यों आए सत्यम, उत्कर्ष वीडियो ऑन कर बाबू, उत्कर्ष ठीक है बाबू, अरे रेक्टेंगल बाबू लिखे हो लिखे, अरे रेक्टेंगल बाबू, अरे रेक्टेंगल बाबू इज ए रेक्टेंगल, हां बाबू रेक्टेंगल बाबू, रेक्टेंगल बाबू इज ए टाइप, इज ए टाइप ऑफ बाबू, इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा बाबू, क्वाड्रिलेटरल बाबू डायरेक्ट है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर गो लाइन से वो शेप बना दो ना बाबू, क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है कि क्वाड्रिलेटरल, हां बाबू सारा का सारा जितना भी फोर साइडेड शेप है वो सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ओके सर, ये रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वेश्चंस का क्वाड्रिलेटरल डैट बाबू, डैट डैट है बाबू, इट्स parallel sides, parallel sides are equal, equal and babu all the four vertices, vertices हमको डर लग रहा था, छोड़ दो डर लग रहा था, vertices मत लेते, side है ना बाबू, and all the four angle babu, फोर एंगल्स बाबू, फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ नहीं सब बाबू, लिटरेचर है कॉपी भरने के लिए है ना, उत्कर्ष का है वीडियो बंद है, शैतान पबजी चल रहा है, क्या चल रहा है उत्कर्ष, इसको तो ढूंढेंगे, डंटा लेके आएंगे इसको, क्या कर रहे हो सर, रेक्टेंगल बना देने, बना रहे बाबू बना रहे, अभी आप इसको लिखो ना, बना रहे, कुछ नहीं छोड़ेंगे जी, सारा चीज बताएंगे आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाली मन से पढ़ना है, रिवाइज करना है ना, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, बता रहे हैं मतलब क्या बाबू, इस तरह से बाबू चार साइडेड का एक बाउंड्री बना बाबू, बना लिया सर, दिव्या समझ में आता बाबू, एलकेजी का चीज है दिव्या, यस सर, अलीसा आपको आ रहा है, अलीसा देखो भागा को, यस सर, दीपक बाबू आपको, दीपक यस सर आ रहा है ना, बात है गौरव, यहाँ पे वो क्या, इस तरह से अगर डबल लाइन कट करेंगे बाबू, मतलब ये अपोजिट साइड ऐसे कट कर दोगे ना, तो ये क्या होगा, साइड इक्वल होते हैं ना, ऐसे कट कर दो, एक कट लाइन मार दोगे तो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते, इक्वल होते हैं, इसके बाबू इसके बराबर ये हो गया, ये एंगल कितना 90 डिग्री, इच एंगल शुड बी 90 डिग्री, अनुज बाबू कैसा परफॉर्मेंस बाबू, प्रोग्रेस है बाबू कि आए राम खाली स्कूल की तरह गए राम, नो सर है, है ना बाबू, सरस्वती विद्या मंदिर से बहुत सारे स्टूडेंट भाग रहे हैं बाबू, परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा, खाली नाम रहे, ये कौन है बाबू, ये देखो बाबू चोर बेटिंग रूम में है, रहने दो उसको बेटिंग रूम में, चोर कौन है पता नहीं, कोई होगा बाबू, सत्यम वीडियो ऑन कीजिए बाबू, बेटिंग रूम में बेचारा, नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे है ना बाबू, कंसेप्ट करके लिख लेंगे, इसको ध्यान रखना, ये क्या हो गया बाबू, रेक्टेंगल हो गया, ये शेप आपको बना बाबू, क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब क्या, अरे इसको रुको भैया, अभी इसको नहीं लिखो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, इतना बड़ा का शॉर्ट फॉर्म में क्या, डैट इज कहने का मतलब बाबू, डैट इज कहने का मतलब क्या बाबू, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये बाबू, डैट इज कहने का मतलब क्या बाबू, सर बैक हो रहा है, लेंथ ऑफ बाबू, लेंथ ऑफ बाबू बी सी इक्वल टू कितना बाबू, लेंथ ऑफ ए डी,
ए डी ठीक। नेक्स्ट बाबू लेंथ ऑफ बाबू, लेंथ ऑफ बाबू ए बी इक्वल टू क्या सर, इस साइड के बराबर कौन सा सर, डी सी। लेंथ ऑफ बाबू डी सी है ना। एंड बाबू म्यूट म्यूट कीजिए प्रत्युषा, म्यूट कीजिए। एंगल बी बाबू बराबर एंगल सी बाबू बराबर एंगल डी बाबू बराबर एंगल ए। ये सर मैं ये पूछ रही थी ये लिखना है अभी। हाँ बाबू लिखना है प्रत्युषा। उत्कर्ष का है वीडियो बंद है बाबू, एको भागा कौन जी आप लोग 25 थे। उत्कर्ष श्रुति लक्ष्मी, लक्ष्मी बाबू समझ में आ रहा है, लक्ष्मी सालनी बाबू समझ में आता है सालनी, ये तो आपको बाबू रिवीजन होना चाहिए। हाँ बाबू तो तेज हो जाओगे ना सालनी। यस सर। चलिए ठीक है वो जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। हो गया सर। वेरी गुड सर, कंप्लीटेड। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब समझते बाबू, अरे ये जो कॉर्नर बनता एंगल क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, डरा दिया गया है, कुछ नहीं होता बाबू, डरा दिया गया। डरा आप लोग को पता नहीं बाबू काहे इतना डराया जाता है स्कूल में। ठीक है देखो ये आपका है ना, तो यहाँ से बाबू ये जो कॉर्नर बन रहा है, ये जो कॉर्नर बन रहा है ना वो कॉर्नर उसी को एंगल कहते हैं ना, एंगल कहते हैं बस और कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा इसको फैला दो, एंगल क्या हो गया बड़ा हो गया, और थोड़ा बढ़ा दो एंगल और क्या हो गया बड़ा हो गया है ना वो। तो ये जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ जो कॉर्नर बन रहा है इसी को क्या कहते हैं एंगल कहते हैं। बाकी इसको हम लोग ज्योमेट्री में डिफाइन करेंगे ना, ज्योमेट्री में डिफाइन। ये क्या होगा एंगल हो गया, एंगल हो गया ना, एंगल हो गया। ठीक ठीक है तो एंगल को हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह से। अब बाबू जैसे आपका नाम है तो सालनी है, स्वाती है ना, तो इसको एंगल है, ये सिंबल है बाबू, ये सिंबल है, इस तरह से एंगल का सिंबल, ये जो सिंबल होता है बाबू इसको हम लोग एंगल कहते हैं, एंगल पढ़ेंगे ना बाबू, एंगल पढ़ेंगे है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सीखते चलिए। अलीसा बाबू समझ में आ रहा है अलीसा? यस सर। चलो अच्छी बात है। सपना आपको, सपना? यस सर। चलो अदिबिया आपको बाबू? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, क्यों बाबू? एल के जी का चीज। ठीक नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। म्यूट कर लो, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, म्यूट कीजिए बाबू, आ जाएगा सारा सारा आ जाएगा। आपको कैसे दिक्कत होना चाहिए दिव्या? नहीं होना चाहिए बाबू, हमको तो टेंशन हो रहा है। अच्छा ठीक है प्रतिशा, आपका तो चले बाबू बेसिक थोड़ा बहुत कमजोर है। नेक्स्ट वो नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे, कंसेप्ट करके लिखे है ना वो। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे सर, एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे है ना, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है बाबू, ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किया ना बाबू एरिया के बारे में, आपको बताए बाबू है ना, एरिया के बारे में बता दिया। एरिया क्या होता है बाबू, कोई भी शेप बाबू जितना रीजन को बाउंडेड कर रहा है, जितना रीजन घेर रहा है ना, वही क्या होगा एरिया होगा। जैसे ये बाबू मेरा ये है ना बाबू सेट स्क्वायर है, यहाँ पे रख लो कितना एरिया रीजन घेरा, यहाँ से इतना रीजन घेर रहा, चारों तरफ से इतना रीजन घेरा, तो इसका एरिया क्या, ये इतना जितना रीजन घेर रहा है वही क्या होगा एरिया होगा, एरिया होगा है ना वो। तो नेक्स्ट वो कंसेप्ट में लिखेंगे बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग निकाल है ना, नेक्स्ट वो कंसेप्ट में लिखेंगे रेक्टेंगल में, इसमें कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट बाबू है ना। पहले लेट बाबू मान लेते हैं, लेट बाबू लेट अ रेक्टेंगल, लेट ए रेक्टेंगल बाबू, हुज बाबू, हुज बाबू लेंथ, लेंथ लेंथ एंड बाबू लेंथ इक्वल टू एल एंड ब्रेथ, एंड ब्रेथ बाबू सत्यम बाबू नहीं वीडियो ऑन कीजिएगा सत्यम, ब्रेथ इक्वल टू बी है ना। ठीक सर, अब लेंथ है नापोगे मीटर में नापोगे सेंटीमीटर में नापोगे कुछ में भी नाप सकते हो है ना बाबू, तो बगल में यूनिट भी ले लो बाबू
थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग बनना चाहेंगे ना, वो तो यूनिट भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। यूनिट के जगह पहले लिख लो शैतान, फिर समझाएंगे आप लोग, हमको पता है। साइड लिख लो, फिर समझाते हो, लिख लो लिख लो, लिखने के उत्कर्ष, ये तो शैतान एकदम हो गया, एकदम पूरे आज शैतान हो गया उत्कर्ष बाबू। हो गया सर। कहा है बाबू ऐसा, क्या पबजी चल रहा है, क्या चल रहा है? मम्मी से बात करवाइएगा तो उत्कर्ष आफ्टर द क्लास बाबू, है ना बाबू? हाँ बाबू आफ्टर द क्लास, है ना? ऐसे बाबू ऐसे क्लास थोड़ी होता है बाबू, डोज वोज थोड़ा मिलेगा ना तो हो जाएगा सही से। प्रत्युषा कहा है बाबू, ये क्यों ऐसे बार बार करते हो, क्या बीच में होता है? सर मम्मी आ गई थी इसलिए। तो मम्मी आ गई थी तो वीडियो बंद करने की क्या जरूरत है, सारे के मम्मी आते हैं, आप स्पेशल थोड़ी बाबू, सारे के मम्मी पापा जी आते हैं, बहुत सारे मम्मी पापा। वो इक्वल टू बी यूनिट क्यों लिखे हैं सर उसमें? समझाते समझाते हैं, मम्मी आ गई तो वीडियो बंद करेंगे, ये कौन तरीका बाबू, सारे का आते हैं, बहुत सारे के मम्मी पापा बैठ के भी पढ़ते हैं तो वीडियो बंद करके थोड़ी पढ़ते हैं, ठीक है? हम क्या करें बाबू, हम क्या करें, एक रेक्टेंगल है सर, मान लेते बाबू क्या है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, ठीक, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में तो कुछ इसका लेंथ, कुछ इसका लेंथ होगा ना, मतलब बाबू इसको मेजर करो ना, तो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ होगा ना बाबू, इस रेक्टेंगल को मेजर करेंगे बाबू, रेक्टेंगल को मेजर करेंगे बाबू मेरे, इस रेक्टेंगल को स्केल से मेजर करो बाबू, तो कुछ सेंटीमीटर होगा ना, मान लो सेंटीमीटर होगा चाहे मीटर होगा, हमको डिफाइन ही ना कौन सा, तो इसीलिए इसीलिए इसको हम लोग क्या माने, यूनिट माने, यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे बाबू एल सेंटीमीटर होगा, बी सेंटीमीटर होगा, एल मीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर एक डेसीमीटर है ना बाबू, मिलीमीटर हेक्टोमीटर कुछ हो सकता है, तो कुछ हो सकता है, तो उसी को हमने क्या मान लिया, यूनिट मान लिया, तो ये एल हो गया बाबू, एल हो गया लेंथ हो गया इसका, है ना, ठीक सर, और ये रेक्टेंगल का क्या हो गया बाबू, ब्रेथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, है ना, ठीक है। हमने एक रेक्टेंगल माना है सर, जिसका लेंथ मान लेते हैं, लेंथ कुछ होगा, ब्रेथ कुछ होगा, अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, शांति से अब लिखना नहीं बाबू, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, डोंट राइट एनीथिंग, है ना बाबू। इसका अब हमको एरिया निकालना, शांति से समझिए, दो दो का कौन कौन वेटिंग रूम है जी? सर हर्ष वेटिंग रूम में। अरे हर्ष है बाबू, एक और चोर है, ठीक है ना, उसको हटाते हैं, चोरों में गया नहीं है सर, नहीं गया सर, चोर कोर्सेज में लगा हुआ है सर, कि कब एंट्री मिलेगा हमको, एंट्री कैसे मिलेगा, एक एंट्री, अच्छा ठीक है, चलो ठीक हो। अब हमको क्या निकालना, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, अरे शैतान शांत रहो ना सर, शांत रहो ना, जैसे ये मेरा कॉपी क्या हो गया सर, मान लो ये कॉपी मेरा क्या है, वो रेक्टेंगल शेप का है ना, रेक्टेंगल शेप का है ना बाबू, इसका क्या है लेंथ है, इसका क्या ब्रेथ है, अब इसका कह रहा है एरिया निकालने के लिए, एरिया ने तो ये बाबू इसको बोर्ड पे रख दो, कितना रीजन बाउंड कर रहा, इतना रीजन बाउंड कर रहा, तो जितना ये रीजन बाउंड करेगा वही क्या होगा, इसका एरिया होगा, एरिया होगा, तो इसका जब एरिया निकाला जाएगा, तो एरिया निकालते कुछ नहीं करते हैं, ये जो साइड है और ये जो साइड है, दोनों साइड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एरिया निकालें बाबू, रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ बाबू कौन सा शेप है सर, रेक्टेंगल है, क्या है बाबू, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ अगर रेक्टेंगल निकालें बाबू, रेक्टेंगल निकाले तो कुछ निकाले, है ना, ये जो साइड है और ये जो साइड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एल हो गया सर, एल ये क्या बाबू, ये एल है ना, लेंथ है ना, यहाँ पे क्या एक यूनिट होगा, मान लो सेंटीमीटर रहेगा, है ना बाबू, सेंटीमीटर रहेगा, मिलीमीटर कुछ हो सकता है, यहाँ से क्या हो गया, बी यूनिट हो गया, बी यूनिट हो गया, है ना, यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर हेक्टोमीटर कुछ भी हो सकता है ना, यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, लिखोगे बाबू तो दिक्कत होगा, लिखना नहीं है, ठीक ठीक सर, तो एल यूनिट हो गया बाबू, है ना, एल यूनिट, अब मल्टीप्लाई बाबू, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये क्या सर B है सर, क्या हो जाएगा यूनिट, यूनिट से हमको डर लग रहा है सर, यूनिट का है डर, हमको डर, अरे डरने की बात नहीं बाबू, जैसे मान लो L, जैसे ये रहेगा 5 रहेगा, इसका लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर हो सकता है, नापोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, और ये बाबू मान लो 4 सेंटीमीटर आ गया, है ना, तो ये जो सेंटीमीटर है ना, यही क्या है, यूनिट है, कोई नापेगा सर, हम सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, हम मीटर में नापेंगे, हम मीटर में नापेंगे, तो ये जो मीटर में नापो यही क्या हो गया, यूनिट हो गया, तो यहाँ पे बाबू फिक्स नहीं ना है कि मीटर है कि सेंटीमीटर की डेसीमीटर की हेक्टोमीटर, नहीं फिक्स है, तो इसीलिए उसको आज हम यूनिट ले लिए, यूनिट ले लिए, है ना बाबू, यूनिट ले लिए, है ना, यूनिट ले लिए, ठीक, तो एल यूनिट हो गया, ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मेरे लाल, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बी हो गया सर, आइए बगल में बी यूनिट हो जाएगा, बी यूनिट हो जाएगा ना, बी यूनिट हो जाएगा, ठीक बाबू, तो एल इंटू बी कितना हो गया, एल बी हो गया, और यूनिट यूनिट जैसे बाबू 10 रुपया 10 रुपया मल्टीप्लाई 10 रुपया, तो कितना रुपया 100 रुपया,
पैसा वाला चीज तो बढ़िया से समझ में आता है ना, 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया बाबू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यूनिट यूनिट है बाबू, मतलब क्या सर, यूनिट का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, यूनिट का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर, कोई भी बाबू सिमिलर नंबर जितना बार मल्टीप्लाई रहेगा ना उतना हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, ठीक। ये सब पढ़ाएंगे, सब 4 से 5 में पढ़ाएंगे, जिसका जिसका बेसिक कमजोर है वो 4 से 5 में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, एल इंटू बी हो गया बाबू, अब बगल में क्या कर देना, स्क्वायर यूनिट है ये, क्या यूनिट का स्क्वायर है तो क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। ऐसे बाबू जैसे बाबू ये दोनों मतलब सेम है, ये यूनिट स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर यूनिट हो गया, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एरिया। तो आप लोग बाबू जनरल बोल भाषा में बाबू आप लोग ऐसे याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एल इंटू बी होगा। अभी कौन है जी, इतना बड़ा किस लिए लिखवा रहे हैं, एंट्री दो लिखिए सर, कौन है सर, एंट्री दो नाम रखा, एंट्री दो नाम रखा, एंट्री दो, एंट्री दो नाम रखा है, एंट्री सोच के रखा हुआ सर, ये एंट्री मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे तो इसी तरह से पढ़ा जाता, और नॉर्मल भाषण बाबू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी बोल दिया जाता है ना बाबू, लेकिन यूनिट डिफाइन करना आपको जरूरी होता है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एल इंटू बी होता है, लेकिन बाद में सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर करोगे ना बाबू, तो इसीलिए स्क्वायर यूनिट लिखा जाए, स्टैंडर्ड तरीका ये है बाबू, बाकी बोलने के लिए तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हो बाबू, कैसे याद रखोगे, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो लिखे जल्दी से है ना, एल क्या है लेंथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू, कछुआ समझ में आ रहा बाबू, कछुआ तेज बन जाओगे आप लोग, सिंपल सा ऐसी सिंपल ऐसी याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना सर, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, बस अपने बोल भाषा में इतना ही याद रखना, ज्यादा मत दिमाग पे जोर डालना, ये आपको स्क्वायर यूनिट, ये राइट तरीका यही, सही तरीका यही बाबू, लिखो हम इंक डालते बाबू, किसमें डालें, रेड में डालते हैं, लिखूं क्या, हाँ लिखो जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो बाबू, बहुत पढ़ना, बहुत सिलेबस लंबा है बाबू, 2 से 2.5 साल का सिलेबस है सर, ये रेक्टेंगल मतलब कि ये जो चैप्टर स्टार्ट किए कितना दिन चलेगा सर, एरिया तो चलेगा बाबू, देखते हैं बाबू कितना दिन, अब कंप्लीट कितना दिन तक चलेगा सर, लंबा बाबू ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेंस्ट्रुएशन अपने आप में समुंदर है, मेंस्ट्रुएशन लिख लिया, बहुत बड़ा चैप्टर है क्या, अरे पाइथागोरस थोड़ा सा टॉपिक है बाबू, ठीक है ना, जैसे आप दादी से नानी घर जाओगे तो बीच में थोड़ा सा ओवरब्रिज आता है, वैसे बाबू ज्योमेट्री सेक्शन में थोड़ा सा भैया है बाबू है ना, पाइथागोरस थोड़ा सा भैया ब्रिज के थोड़ा सा 1 घंटा का लेक्चर था, लिख लिया, अच्छा ठीक है बाबू, भागा को नेगो सेता, प्रत्युषा तो है ही है, मिष्टि है ही है, कौशल है ही है, सत्यम है ही है, धर्मवीर दिव्या बिट्टू, अंकित आज नहीं है, अंकित मंगलास्थान बाबू, अंकित नहीं है, चहल पहल, अंकित मंगलास्थान सर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम, यहाँ पे पढ़ा दीजिएगा ना वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम बाबू, सर मैथ में वॉल्यूम तो पढ़ा, अच्छा वॉल्यूम बाबू तो 6 से 7 आओ ना शैतान, उसी में वॉल्यूम है ना चल रहा है बाबू, पहले बोलता, ठीक है सर आएंगे सर, स्कूल में हो रहा है सर, आना चाहिए था पहले, एग्जाम में आएगा सर, हाँ तो पहले बोलता ना बाबू, चलो ठीक है, लिखो जल्दी से, वीडियो देख लेना नहीं तो, जल्दी लिखे सर, अभी 6 से 7 वॉल्यूम चल रहा है, हाँ बाबू, दीपक कुमार, दीपक नहीं बाबू, दीपक सर मुझे भी थोड़ा वॉल्यूम पे डाउट है, मैं दीपक बाबू नहीं हो अंदर क्या, नहीं होगा सर,
नहीं होगा। अरे क्या दिमाग लगाता है ना, नहीं बताएंगे। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है प्रतिशत बाबू, पहले में इसमें जो पढ़ा रहे बाबू हद करते, जो पढ़ा रहे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, सीधा वैल्यू में एंट्री चले, एरिया नहीं क्लियर हो रहा, पेरिमीटर नहीं क्लियर हो रहा, डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हो। सर वैल्यू निकालने के लिए नहीं सर, बता रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम में। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो। हम लोग क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया सर, यहाँ से कभी कभी क्या कहे वो ब्रेथ लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो, तो लेंथ बराबर क्या होगा सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ को डिवाइड मिला। यहाँ से बाबू अगर लेंथ निकालना कहेगा तो ब्रेथ इसको पकड़ के इधर लाओ, तो पकड़ के जब इधर लाओगे बाबू तो 21 मिनट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा, एलकेजी का चीज है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना कहे बाबू, ब्रेथ अगर निकालना कहे, ब्रेथ निकालना कहे तो हम लोग क्या लेंगे, एरिया लेंगे सर, लेंथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसको पकड़ के इधर लाएंगे ना वो, तो डिवाइड बाय लेंथ हो जाएगा। तो ब्रेथ हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, एरिया लिखेंगे और डिवाइड बाय क्या लेंगे बाबू, लेंथ लेंगे, है ना, लेंथ लेंगे। हाँ बाबू बोलिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो। यहाँ से हम लोग अगर ब्रेथ निकालेंगे, हम लोग ब्रेथ निकाल, अगर लेंथ निकालना चाहोगे, यहाँ से वो तीन फॉर्मूला बने, लेंथ निकालना चाहोगे तो ब्रेथ को पकड़ के इधर डिवाइड में लाओ। ये सब सब कौन सा टॉपिक, हेडिंग क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ये ध्यान देना। ठीक हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो। अगर लेंथ निकालना चाहे सर, लेंथ निकालना चाहे सर, ये सब एलकेजी का चीज है, तो एरिया होगा, एरिया बाय ब्रेथ। हाँ एरिया बाय क्या होगा, लेंथ इक्वल एरिया। ठीक, नेक्स्ट बाबू। सर ये तो स्कूल में हो चुका है मेरा। अच्छी बात है, हो चुका था। यस, स्कूल में इतना ही होता बाबू, ज्यादा तो कुछ नहीं होता, ये बेसिक बेसिक सर, उसमें बस ब्रेथ का, एरिया का और लेंथ का फॉर्मूला बता दिया है, बस बस इतना ही होता है। ठीक है, दुनिया स्कूल में उतना ही पे खत्म होता है। नेक्स्ट बाबू, आपको बताया था वो पेरीमीटर, इसमें लिख देते हैं लेकिन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पेरीमीटर अगर निकालना है तो इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका सारा का सारा क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना चाहे बाबू, ये ऑलरेडी हम पीछे बता चुके हैं ना, तो इसको हम बताने नहीं जा रहे। पेरीमीटर ऑफ बाबू रेक्टेंगल अगर लिखना चाहे, इसको भी हम लोग लिखेंगे। हाँ बाबू, जो लिख रहे हैं बोर्ड पे सारा लिखना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर लिखना चाहे सर, तो 2 × L + B होगा, 2 × L + B होगा, है ना बाबू, वैसे लिख लो, 2 × L + B। लक्ष्मी बाबू समझ में आता है, लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। यस सर। तो वीडियो का है बंद है बाबू, आज होल्डे 6 बजे कुछ नहीं बोल रहे थे बाबू, सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा बाबू, चलो अच्छी बात है, अब ठीक है ना बाबू। यस सर। चलो लक्ष्मी, तो एक बात बता दोगी लक्ष्मी बाबू, हैं? Yes, sir. मान लो इसको 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 अगर ज्वाइन कर देते लक्ष्मी, इसको इसको अगर ज्वाइन कर देते, ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ए इसका नाम दे देते, ए दे देते इसका नाम, मान लेते बाबू ए बी सी इसका नाम दे देते, सी दे देते, तो ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा बता दोगे लक्ष्मी, ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा बता दोगे बाबू? Yes, sir. एसी का लेंथ कितना हो जाएगा बोर्ड पे जो दिख रहा है बाबू, लेंथ ऑफ एसी सर 90 डिग्री। लेंथ पूछ रहे बाबू, एंगल नहीं पूछ रहे लक्ष्मी, लेंथ पूछ रहे हैं। कितना होगा दिव्या बता दो बाबू, दिव्या कितना होगा लेंथ ऑफ एसी कितना हो जाएगा, कौन बताता है, किसको भगवान बुद्धि दी है, देखते हैं। दिव्या बताओ बाबू जल्दी से, मतलब करना क्या है सर, करना नहीं बाबू, एसी एसी है, एसी है, ए और सी को मिला दिए, ए और सी को मिला दिए, तो इसका कुछ लेंथ होगा, नापेंगे ना बाबू, नापेंगे ना, 45 होगा सर। अरे मेरे लाल बताए सर। अच्छा, अरे मेरे शैतान, इसका लेंथ ऐसे नापेंगे ना, वो मीजर करेंगे ना इसको, स्क्वायर सर है ना। चलो कौन बताएगा बताओ बाबू, दिव्या, दिव्या बता दो बाबू, हम भी क्लास करेंगे, एंट्री दो प्लीज। उसका नाम है क्या, मैं वो, हाँ उतना बड़ा नाम लिखा है, उतना बड़ा नाम लिखा करेंगे, हाँ तो नहीं, 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 हाँ त
जल्दी जल्दी बताए बाबू, जल्दी बताए हर्ष बाबू बताओ। अच्छा ठीक है, एसी का लेंथ कितना होगा? 2a + 2c। ठीक है सम्यक, सम्यक बाबू ठीक है आपका, ठीक है सम्यक। कितना होगा विजयंत, जल्दी बताए बाबू, लेंथ ऑफ एसी कितना होगा? गलत है बाबू, गलत है, बता दो अलीसा, कैडबरी टॉफी, अलीसा बता दो बाबू, धर्मवीर बताए, शैतान जीवितेश बताए, जल्दी से कौन बताता है, खाली एगो सम्यक बताया, जल्दी बताए बाबू, लसलनी, स्वाति, 2a + 2b। नहीं मेरे बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कल ही बताया बाबू, कल ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा है बाबू। नेक्स्ट बाबू डायगोनल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कल नहीं पढ़ाए होंगे क्योंकि कल, अच्छा परसों पढ़ाए, आज प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गलती है बाबू, गलती है, गलती है, गलती है, गलती है, दिमाग लगाए लेकिन गलती है, जल्दी बताओ दीपक, दीपक बता दो, कैडबरी टॉफी बाबू, दीपक, दीपक बाबू, एक रेक्टेंगल है बाबू, एक रेक्टेंगल है सर, ठीक है सर, दीपक कैडबरी टॉफी बाबू, सच्चे बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, बता दो दीपक बाबू जल्दी से, सर आपके पास से कैडबरी ये लेंथ है बाबू, ये ब्रेथ है, ये क्या बाबू, बी है, बी है, तो पूछ रहा है बाबू, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल पढ़ता नहीं ना आप लोग मन से, तो पूछ रहा है यहाँ से इसको मिला दो, ज्वाइन कर दो, ठीक, तो जब इसको ज्वाइन कर दो बाबू, तो इसका कुछ लेंथ होगा ना बाबू, मान लो रेक्टेंगल, गलत है, गलत है, गलत है सर, h = 2a² + c² सर, हां बाबू गलत है फिर भी, ठीक है ना, ई एसी का आपको लेंथ पूछ रहा है, एसी का लेंथ पूछ रहा है ना बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताए, श्रुति, हां बाबू सर, बोलो ac = √l² + b² हां बाबू, हां बाबू, चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है, कुछ कुछ √a² + c² सर, काहे हर्ष बाबू, काहे नहीं मन से पढ़ते बाबू, देखो क्या करना, शैतान मेरे, देखो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, मान लो क्या ऐसे है बाबू, यहाँ से हमने एक ऐसे ड्रा किया सर, एक ऐसे ड्रा किया, तो यहाँ पे बार बार बोला है 90 डिग्री बाबू, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन रहा है ना जी, ये बोला ऊपर वाला मिटा दो, मिटा दो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एसी क्या होता है, ये साइड का स्क्वायर करे बाबू तो क्या होगा, l² + b² हाइपोपाइथागोरस थ्योरम से बाबू, किस दिन के लिए पढ़ाए थे पाइथागोरस थ्योरम, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी समय के लिए पढ़ाए थे, फ्री में पढ़ाए थे, इसी समय के लिए पढ़ाए थे कि आप लोग बताओ यहाँ पे, लेकिन नहीं बताए, धोखा दे दिए, √a² + b² अरे मेरे लाल एल है, अब बी है, तो आप ए बी कहाँ से ला रहे थे, अपना मन से कुछ कुछ ले आओगे, यहाँ एल है तो एल बी l² / b² होगा ना, ए बी है आपको, ए बी दिख रहा है, हद करते बाबू, पढ़ लिखे बाबू ऐसे करते, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओ बाबू, तो ये ऐसी हो गया, तो ये जो बाबू लेंथ है ना, ये जो साइड आपको दिख रहा है, इसको एक स्पेशल नाम है, जैसे आपका नाम है ड्रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी, तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल, ये जो आपको साइड दिख रहा है वो बीच से बाबू है ना, तो अपोजिट वर्टिक्स को मिला दो, तो ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या सर, डायगोनल है, इसको डायगोनल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो डायगोनल कहेंगे ना, डायगोनल कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो डायगोनल कहेंगे, है ना, डायगोनल कहते हैं, नाम है, इसको जैसे साइड कहते हैं, इसका नाम क्या, इसको हैंड कहते हैं, इसका नाम क्या, नोज कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, इसमें कौन सा चीज है, याद रखना है ना, ठीक बाबू, ठीक, तो इस डायगोनल का लेंथ मेरा कितना होगा सर, कितना होगा सर, है ना बाबू, कितना होगा सर, l² + b² हाँ बाबू, कितना होगा, l² + b² होगा, आप शांति से समझना, तो डायगोनल का अगर स्क्वायर करेंगे बाबू, डायगोनल का अगर स्क्वायर, यही ना डायगोनल है, है ना, ठीक है सर, तो कितना होगा, l² + b² होगा, डायगोनल क्या है सर, एसी है, अभी समझना, एसी है सर, तो एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, l² + b² हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये डायगोनल होता है, अब आपको बताए थे बाबू, यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, तो ये बाबू आप बाबू दादी से, अभी अभी आप मान लो कि दादी घर में हो तो पोती हो, नानी घर में जाओगे तो नाती बनोगी, है ना, तो ठीक उसी प्रकार बाबू ये स्क्वायर यहाँ से अगर उड़ के, ये राइट इधर लेफ्ट साइड होता है, ये राइट उड़ के इधर जाएगा ना, तो इधर से ऐसे एक नया शेप ले लेता, ये स्क्वायर यहाँ हटाओगे इधर जाओगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाता है, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं ना,
ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा सर? इस स्क्वायर रूट को हटा, पावर को हटा, तो ये दादी से नानी घर जाएगा, तो इसका रंग रूप चेंज होकर थोड़ा ऐसे बन जाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। कहाँ से आया? एल के जी से आया है ना। तो ये जो आपको साइड बन रहा है, ये जो साइड बन रहा है बाबू, ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? ये जो ए सी हो गया, जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया बाबू? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक इधर से भी हो सकता है, दो डायगोनल होंगे, एक इधर से भी हो सकता है, बी डी हो सकता है, बी डी हो सकता है ना। तो ये हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर होता है क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। ये सब लिखने की जो, अब आप लोग राइट डाउन करो, लिखे हो लिखिए सर। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर को ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। हाँ, इसको ब्रैकेट में हम लोग डायगोनल को ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर जिंदगी में हर्ष बाबू? नो सर, अभी नहीं पढ़ रहे। और सेवन में हो तो एट में ना जाओगे बाबू? सर सिक्स में। चलो जितना आता हिम्मत बांधे बाबू, हिम्मत नहीं हारना। सर हाँ लिखे, जल्दी लिखे। अच्छा ठीक है, समझाते जखनी तो लिखते रहते। मिस्टी आपका बाबू, इसमें से दो स्टूडेंट का स्थिति बहुत खराब हो रहा है, मिस्टी का और दीपक का। स्वाति समझे? अच्छा, वो दोनों डायग्राम बनाएंगे। हाँ दोनों बनाओ बाबू, मेरा दोनों बनाओ, बचा के क्या करोगे? श्रुति समझे? समझ गई, चलिए अच्छी बात है। यस सर। बड़े बच्चे को ही नहीं समझना था, छोटका तो समझ ही जाता। जीवितेश कहाँ गायब हो बाबू? जीवितेश बहुत शैतान है, वीडियो ये लगा लेता। हम भी क्लास करेंगे, एंट्री दो, एंट्री दे दे बाबू। एंट्री स्क्वायर के बारे लिखो जल्दी से, स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डायगोनल का स्क्वायर करेंगे सर, ब्रैकेट में लिखेंगे डायगोनल को। डायगोनल का स्क्वायर नहीं, इधर स्क्वायर रूट पर चढ़ा दिया ना बाबू। जब बाबू आप दादी घर में हो बाबू, तब पोता हो है ना, दादी घर में पोता हो, नानी घर जाओगे तो नाती बन जाओगे, तो वहां से दादी घर से गायब हो गए ना, तो इधर से स्क्वायर गायब होके इधर स्क्वायर रूट आया है। हां हां सर, हम समझ गए। चलो अच्छी बात है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा बाबू स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेता है, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करवा देंगे ना, क्वेश्चन करवाएंगे, एक आध दो दिन क्वेश्चन चलेगा। अब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सर्किल पढ़ लेंगे ना, सर्किल का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर सर्किल का क्वेश्चन करवा देंगे। अब सर्किल का क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब पढ़ लेंगे, उसका क्वेश्चन करवाएंगे। और उसके बाद हम लोग थ्री डी शेप में एंट्री करेंगे है ना, थ्री डी शेप में एंट्री करेंगे, एरिया सरफेस एरिया है ना। तो बैच डी और डी दोनों में थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग अलग मिलेगा, क्वेश्चन का वैरायटी भी अलग अलग मिलेगा। एक स्टूडेंट में कॉमन दो गो लक्ष्मी है और ये है लगता आर्यन। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, स्क्वायर 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 क्वेश्चन भी करेंगे अभी ना, अभी थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते फिर करते हैं। देखो स्क्वायर क्या बाबू? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको रेक्टेंगल का कंसेप्ट क्लियर है, कौन कौन है दो वेटिंग रूम में? दीपक कुमार, अभिजयंत कुमार। विजयंत बाबू अंदर हो कि बाहर हो बाबू? विजयंत अरे चोर चला गया सर। अरे हो सकता है नाम चेंज करके भी आए। विजयंत चोर नाम। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू स्क्वायर, स्क्वायर क्या बाबू? रेक्टेंगल का अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बाबू तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा रेक्टेंगल बाबू। स्क्वायर क्या बाबू? वैसा रेक्टेंगल बाबू, वैसा एक रेक्टेंगल बनाओ ठीक। स्क्वायर क्या क्या सर? रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है ना बाबू। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर क्या होगा? एक रेक्टेंगल हो सकता है ना बाबू, ठीक है ना। लेकिन हर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान देना, लिखाएंगे इसको ना। देखो एक रेक्टेंगल बना लीजिए सर। हाँ सर, अगर इसका साइड बाबू इक्वल कर दो, ये रेक्टेंगल एल है सर, इसका ब्रेथ भी है। अगर वैसा रेक्टेंगल बनाओ बाबू जिसका लेंथ ये जितना ये है
उतना ही हाइट भी होना, वही उतना ही क्या होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए। मतलब बाबू अगर ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर, सम बात समझो, हमने पहले बाबू एक रेक्टेंगल बनाया, समझो 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 समझो, इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाया सर, है ना सर, इसका मान लेते 10 सेंटीमीटर लंबा है, कितना बाबू स्केल लिए सर 10 सेंटीमीटर नापे बाबू, है ना, ठीक है सर, नाप ले मेजर कर, ठीक, और इधर इसमें मेजर किया बाबू, मान लो कितना आ गया सर 5 सेंटीमीटर आए, है ना, 5 सेंटीमीटर आए। तो अगर लेंथ ब्रेथ अलग हो रहा था इसका नाम क्या सर, रेक्टेंगल है। लेकिन ये इसी में बाबू वैसा रेक्टेंगल बाबू, इसके जिसके अगर इसके लेंथ को हम लोग घटा देते हैं 10 के लिए आधा क्या 5 कर देते इतना ही कर देते हैं ना, इसको घटा के क्या कर देते हैं 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, और इसका ब्रेथ भी क्या बाबू 5 सेंटीमीटर, मतलब इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ लो, शांति से समझना, ठीक है ना। तो अब ये जो शेप बन जाएगा बाबू, आप ये जो शेप बन गया है ना, ये जो शेप बन गया बाबू, ये भी 5 सर, ये भी 5 है ना, तो अब ये जो शेप बने वो क्या बन गया मेरा, स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, इसका एक नया नाम हो गया है ना, दादी से नानी घर, पोता से पोती, नाता से नाते, है ना, तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्क्वायर कहेंगे, क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे ना। मतलब एक रेक्टेंगल का बाबू अगर लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल हो जाए, लेंथ भी सेम सर, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर, है ना बाबू, लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 20 सेंटीमीटर, है ना, तो वैसे शेप हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वैसे शेप हम लोग क्या कर देंगे, वैसे शेप हम लोग क्या कर देंगे बाबू, स्क्वायर कर देंगे, वैसे शेप को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ठीक है ना, इसको डिफाइन करेंगे, है ना, तो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो ये भी बाबू क्या एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना बाबू, ये भी मेरा क्या क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कैसे क्वाड्रिलेटरल है सर, कैसे क्वाड्रिलेटरल है बाबू, बाबू ऐसे क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें भी बाबू जिस भी शेप में बाबू 4 साइड रहे, है ना बाबू, आंधर बाबू है ना, ब्लाइंड बाबू, लंगड़ा लूढ़ा उसको कैसे कहते हैं वो, अगर जिसमें बाबू 4 साइड रहे, है ना, कैसू शेप क्यों नहीं बना, 4 साइडेड से घिरा हुआ अगर कोई बाबू बाउंड्री है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, तो ये बना 4 साइडेड से घिरा हुआ है ना बाबू, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना, कोई ऐसे रहेगा, है ना, है ना बाबू, ये ट्रेपेजियम है ना, तो ये भी 4 साइडेड, 1 साइडेड, 2 साइडेड, 3 साइडेड, 4 साइडेड, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, तो स्क्वायर भी क्या बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल, जिसका क्या सर चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और हर एक एंगल कितना होता है, ईच एंगल बाबू 90 डिग्री होता है ना बाबू, देखो रेक्टेंगल भी मेरा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल लेंथ होता है, यहाँ चारों साइड क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, चारों का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, साइड भी क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है ना, तो इसको थोड़ा सा स्क्वायर को डिफाइन करो, है ना, थोड़ा ऐसे डिफाइन करेंगे, लिखे बाबू डिफाइन कीजिए स्क्वायर को जल्दी से, सर हम लिखे, हाँ बाबू सर, क्वाड्रिलेटरल में तो ट्रेपेजियम भी होता है, अरे बाबू बोले नहीं बाबू, रोम्बस भी होता है, हाँ क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही क्लासिफाई किया गया, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल को ही डिफरेंट टाइप में बांटा गया, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, है ना बाबू, रोम्बस, है ना, पैरेललोग्राम, सब क्वाड्रिलेटरल का ही बाबू, शुरू में कहाँ था, शुरू में बताया था तो लेक्चर दिए थे तो कहाँ सुना था, स्टार्टिंग का 10 में सुनता नहीं ना ध्यान से बात को, इसीलिए दिक्कत होता है ना, ये दीपक को क्या आज हो रहा है बाबू, बार बार वेटिंग रूम में आ रहा है जा रहा है, क्लास उसका डिस्टर्ब हो रहा है, दीपक बाबू कैसे ऐसे हो रहा बाबू, डाटा नहीं है दीपक, नेक्स्ट बाबू डिफाइन करो बाबू, नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिख, अस्क्वायर बाबू, रेगुलर, बताते हैं रेगुलर का मतलब क्या, अस्क्वायर इज बाबू रेगुलर, क्या होता है धर्मवीर रेगुलर का मतलब, धर्मवीर बाबू है शैतान के नहीं, धर्मवीर बाबू सर मैं बोलूं, गौरव नहीं आप बोल दीजिए, रेगुलर का मतलब क्या था बाबू, अस्क्वायर इज बाबू रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्या होता बाबू धर्मवीर, यस सर, हाँ क्या होता है, यस सर नहीं बाबू, इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब सर जो जिसका क्या बोलते हैं सेफ, रेगुलर सेफ बताया था सर, वही होता होगा, हाँ बाबू बताया तो क्या होता है, वही होता होगा, कुछ वैसे तो कितना आसान है, पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, कोई IAS का इंटरव्यू हो रहा है सर, इसका ऑल साइड इक्वल होता है सर, तो ये बोले बाबू, बीच है बाबू, बीच बाबू ऑल द, बीच बाबू ऑल द फोर, फोर साइड्स बाबू, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल बाबू,
आर इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ बाबू, एंड एंड बाबू फोर एंगल्स एंड ईच एंगल्स बाबू, एंड बाबू ईच एंगल्स एंड ईच एंगल्स, ईच एंगल बाबू इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, ठीक है कंप्लीट सर। क्लास फोर में हूँ, हम भी क्लास करेंगे, दे दे एंट्री बाबू। अब अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़े सर, किस में सर, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में है ना, रेक्टेंगल उसी में वही चीज इसमें भी करना है। जैसे क्या सर, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या, इसका शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, यहाँ पे हम लोग शेप बनाते हैं बाबू है ना, शेप बनाते हैं, ठीक है सर, ठीक ठीक सर है ना, अच्छी बात है ना। इसका कुछ वर्टिक्स है, इसका नाम कर देते, आपका नाम कर देना है ना बाबू, रिंग के चिंग के पिंग के, उसी तरह से इसको वर्टिक मान लेते, ए बी सी डी हो गया ना बाबू। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बाबू, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या ये है बाबू, दैट इज, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या बाबू, आपका जो साइड है बाबू ए बी बराबर क्या है सर, बी सी, मतलब ये जो साइड का लेंथ है सर, वही लेंथ ये है सर, वही लेंथ ये है सर, वही लेंथ ये है, सारा का सारा लेंथ क्या बाबू इक्वल है, ए बी बी सी सी डी और बाबू डी ए है ना, ठीक है सर, सारा का सारा लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट बाबू ये जो एंगल है, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये भी इच एंगल शुड बी बाबू 90 डिग्री, इच एंगल शुड बी 90 डिग्री, इच एंगल शुड बी 90 डिग्री, इच एंगल शुड बी 90 डिग्री है बाबू। एंगल ए बराबर कितना, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू कितना बाबू 90 डिग्री है ना। तो ऐसे से हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन कीजिए। अलीसा ऊपर ऊपर पार हो रहा है ना बाबू, लिखिए सर। नो सर। आपको सत्यम? यस सर। हाँ बाबू अच्छी बात है। कहाँ से ऊपर ऊपर पार हुआ बाबू? सत्यम किस क्लास में बाबू, सिक्स में हो कि सेवन में? सत्यम सिक्स में सर। तो सेवन में ना जाओगे बाबू? नो सर। नहीं जाओगे सेवन में? क्यों बाबू, सेवन में क्यों नहीं जाओगे सत्यम? सर सिक्स के बाद सिक्स में जाएंगे। सिक्स में जाओगे सर? सिक्स में है तो सिक्स में जाएगा सर। सर सिक्स में तो सिक्स में जाओगे, क्यों ऐसे बाबू? अरे ना कभी फाइव में है सर। ठीक है जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, ये बार बार होस्ट करने से यही मेरे में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब हम लोग जैसे जैसे वहां पढ़े सर, वैसे वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे, कैसे सर है ना वो, कैसे कैसे कैसे। अब वहां पे हमने क्या माना सर, एक स्क्वायर बना। नेक्स्ट बाबू लेट, हम लोग क्या मानेंगे वो लेट माने है ना, वो लेट द बाबू साइड ऑफ, लेट द बाबू, लेट द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड किसका सर, ऑफ स्क्वायर बाबू, ऑफ स्क्वायर है ना, जैसे वहां माने बाबू वैसे यहाँ करेंगे। ऑफ स्क्वायर बाबू कितना मान लेते, एल मान लेते, यूनिट मान लेते, एल यूनिट मान लेते है ना। मतलब क्या सर, ये आपका क्या बाबू एक स्क्वायर है ना, ठीक है सर। तो ये लेंथ कितना ले लो, एल यूनिट ले लो। यूनिट क्या है सर, हमको डर लग रहा है, हटा दीजिए। अरे बाबू यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर कुछ हो सकता है ना, उससे डरना नहीं है, इसको साथ साथ लेकर चलना है ना। तो पहले वहां पर आपको हमने क्या बताया, एरिया बताया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, क्या होगा सत्यम बताओ बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 4 into side होगा सर। 4 into side होगा बाबू, 4 into side होता है सर, into side, 4 into side। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा सर, एल इंटू एल फोर बोल रहे हैं। अरे संता शांत रहो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। रेक्टेंगल का एरिया भी बताया ना वो क्या होता सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता। और हमने स्क्वायर को आपको क्या बोला, ये बाबू क्या एक टाइप का रेक्टेंगल है जिसका सर लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो लेंथ तो एल है सर, और ब्रेथ के भी जगह, हाइट की जगह क्या रख देंगे, एल एल रख देंगे, एल ए रख देंगे, एल ए रख देंगे है ना। तो ये एल यूनिट हो गया बाबू, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एल यूनिट हो जाएगा, एल यूनिट है ना, एल यूनिट है ना, एल यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक बाबू, एल यूनिट है ना। तो आप लोग बाबू एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा वो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा खाली आप लोग साइड इनटू साइड ही याद करते हो वो क्या करो एल को देखिए ना सब शेयरिंग हो रहा है प्रत्युषा सॉरी सर हाथ बज बहुत नाटकबाज हो ढूंढ देंगे ठीक है ना जिस दिन आगे बाबू बहुत नौटंकी करो ना पहले वीडियो ऑन कीजिए सर बंद कर दीजिए ना अरे बाबू वो एचडी वो क्लास कंटिन्यू चल रहा था ना बंद करने का ध्यान है एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा क्या होगा बाबू साइड इनटू साइड होगा साइड इनटू साइड हो जाएगा ना साइड इनटू साइड यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा सर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे क्या लिख देंगे बाबू स्क्वायर यूनिट लिख देंगे साइड एल क्या सर साइड एल साइड और यूनिट यूनिट क्या होगा स्क्वायर या बाबू आप लोग इसको भूलना मत ये साइड इंटू साइड लोगे तो उसका कुछ यूनिट दोगे ना मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर तो यहाँ स्क्वायर यूनिट यूनिट लिखना मत भूलना ठीक है ना स्टैंडर्ड तरीका यही बाकी तो बाबू कुछ भी कर सकते लिखो लिखो जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखिए दीपक का क्लास नहीं हुआ सही से दीपक दीपक बाबू नहीं है क्या लिखो वहां पे जैसे हमने पेरीमीटर निकाला बाबू यहाँ भी पेरीमीटर निकालेंगे विजयन समझ में आता है बाबू विजयन विजयन सर डीआईवाई यस सर इसको पहले खत्म करो तीनों टॉपिक ठीक है ना उसके बाद डीआईवाई और अति भाई यस सर हाँ बाबू एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर बाबू पेरीमीटर सर लेट लेट द लेंथ वाला अच्छा ठीक है नेक्स्ट हो पेरीमीटर 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 ऑफ स्क्वायर कितना होगा सर कितना होगा बाबू तो एक लेंथ एल है और इनटू साइड हां बाबू लेंथ एल है हां बाबू आर्यन बाहर था बाबू आर्यन तो है सर तबरी कौन आ गया बाबू किसको एडमिट कर दिए नेक्स्ट हो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या बाबू नेक्स्ट बाबू पेरीमीटर 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 किसका सर पेरीमीटर बाबू है ना पेरीमीटर किसका सर स्क्वायर का स्क्वायर का तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे ऑलरेडी बताया बाबू ये एल है सर ये एल है सर ये भी एल है सर ये भी एल है तो एल प्लस एल कितना फोर एल हो गया एल क्या है साइड है एल क्या है साइड है तो पेरीमीटर ऑफ बाबू स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर इंटू साइड हो जाएगा ना फोर इंटू साइड हो जाएगा ना इधर क्या हो जाएगा यूनिट लिख लेंगे यूनिट हम लोग लिख लेंगे नेक्स्ट हो एक टर्म और एक और डायगोनल बाबू डायगोनल ठीक कौन बता देगा साल नहीं साल नहीं साल नहीं साल नहीं साल नहीं यस सो रहे बाबू नींद आ गया नो सर जीवितेश बाबू कहाँ ये गायब है जीवितेश वीडियो देखो ना दिखाई देगा जीवितेश बैकग्राउंड हटाइएगा बाबू कहा है बैकग्राउंड लगाते बाबू मम्मी से कंप्लेन करना पड़ेगा शैतान को तब सुनेगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या एक स्क्वायर बनाएंगे बस स्क्वायर बनाएंगे है ना बस स्क्वायर बनाएंगे ठीक सर ठीक है ये बाबू ए है ये वर्टिक्स कितना है बी है ये क्या है सी है ये क्या है डी है ना इसका लेंथ एल है ये भी लेंथ एल है ना लेंथ एल है ये लेंथ एल है तो कौन बता देगा एसी का लेंथ कौन बता देगा एसी का कौन बताएगा कौन बताएगा एल स्क्वायर कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा मेरे लाल एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्रत्युषा मन से क्यों नहीं पढ़ते इधर उधर क्या देखते रहती हो जल्दी लिखे लिखे बाबू समझा रहे हैं जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखो नेक्स्ट हमको क्या निकाल डायगोनल निकालना तो ये निकालेंगे सर एसी एसी उछल के एसी निकालेंगे एसी टर्म क्या है इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल ये नाम इसका इस साइड का इस
इस बाबू इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या बाबू? डायगोनल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे ना, डायगोनल कहेंगे। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री है। तो डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे सर? अभी बताएं बाबू, यहाँ सर यहाँ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? एक स्क्वायर रूट का सिंबल देंगे सर, और ये स्क्वायर दिस साइड दिस स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करेंगे, है ना, है ना। तो बचपन में पढ़ाए बाबू, बचपन में पढ़ाए वो है ना, एल स्क्वायर कितना होता है? टू एल स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, एल स्क्वायर जैसे अभी बताया ना अलजेब्रा में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है बाबू? टू एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो उसी तरह एल स्क्वायर कितना होगा सर? टू एल स्क्वायर होगा, है ना। जिसका थोड़ा सा कमजोर है बाबू, अलजेब्रा नहीं पढ़े हो, तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना बाबू, अभी आप लोग समझ लो, उसके बाद लिखना, समझिए जी सपना बाबू, उसके बाद लिखिएगा। कहीं भी बाबू देखना, ध्यान देना, शांति सुनना। अगर स्क्वायर रूट है ये बाबू, ऐसा ऐसा वाला कैप है ना बाबू, और यहाँ भी बाबू यहाँ पे है, मतलब यहाँ पावर टू है और ये कैप है। अगर यहाँ पावर टू है और ये कैप है, तो ये दोनों आपस में जाने दुश्मन है, कैसे सर? अरे बाबू जही भी प्लस टू है, माइनस टू है, तो ये दोनों प्लस माइनस के आपस में जाने दुश्मन होकर बाबू सुसाइड कर लेता, ये इसको मार देता कि नहीं, और रिजल्ट क्या देता है? जीरो देता। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होता। कहीं भी बाबू ये स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर अगर पावर टू है वो, तो ये स्क्वायर रूट का ये पावर टू गायब हो गया, इसके साथ ये भी गायब हो जाता है। ये बहुत पढ़ाएंगे इंडिसेस ऑफ सेट चैप्टर में, इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप लोग समझो, यहाँ पे पावर टू है और इसके बाद क्या स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा? ये पावर ये आपस में गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। ठीक, एक्स बचेगा। ठीक, तो यहाँ एल का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, लेकिन दो से गायब नहीं होगा, टू से गायब नहीं होगा, टू से गायब नहीं होगा, है ना। मतलब क्या सर? मतलब कुछ ऐसे रहे, एल पे स्क्वायर में टू पे स्क्वायर में ना है, तो सिर्फ एल वाला पावर गायब होगा, है ना। ये स्क्वायर रूट टू बाबू, इन टू क्या होगा? बाहर में एल होगा। ये थोड़ा आप हम समझ रहे आपकी भावना, है ना। यहाँ एल स्क्वायर है ना, तो इससे सिर्फ बाबू इतना ही दूर गायब होगा, इतना ही दूर पावर गायब हो जाएगा, है ना। ये स्क्वायर हटेगा तो इसका थोड़ा सा पावर क्या होगा? स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा ना, इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया, डायगोनल है ना, डायगोनल हो गया। थोड़ा यहाँ कम समझ में आएगा, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, है ना। तो इसको फट एल क्या सर? साइड है, एल क्या बाबू? साइड है, साइड है, एल क्या? साइड है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो लिखे बाबू, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो लिखेंगे, है ना, डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर हो बाबू, ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा बाबू, कितना बनेगा? रूट टू बनेगा बाबू, स्क्वायर रूट टू, है ना, या इसको रूट टू इंटू क्या बनेगा बाबू? साइड बनेगा, इंटू क्या बनेगा? साइड बनेगा, है ना, साइड बनेगा। इसमें थोड़ा समझ रहे हैं, इसमें देखो अलीसा को, दिव्या को, हर्ष को, तीन चार को थोड़ा सा इतना बड़ी दिक्कत हो रहा होगा, बीपी हाई हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम लोग टेबलेट खा लेंगे, लाओ बाबू उसको एंट्री। हाँ बाबू, अनुज बाबू, अनुज।